24 सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आर्टली सेंटर नासिक स्कूल में रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एलडीसी, कुक, एमटीएस, फायरमैन और इत्यादि पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। ग्रुप सी की ये भर्ती रहने वाली है। अप्लाई स्टार्ट 25/12/2021 से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट इसकी 21 जनवरी 2022 को रहने वाली है। चलो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया है। सिविलियन पोस्ट रहने वाले आर्टली सेंटर नासिक स्कूल में ये निकल गया है और इसको आवेदन वाले लिफाफे पर इस पते पर आपको सेंड करना है। एलडीसी की 27 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट जर्नल में है और 1 पोस्ट एससी, 1 पोस्ट एसटी, 3 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस और 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है। उसके बाद कारपेंटरी की 2 पोस्ट, कुक की 2 पोस्ट, रेंज लश्कर की 8 पोस्ट, आरटी लश्कर की 7 पोस्ट, बारबर की 2 पोस्ट, एमटीएस की वॉचमैन मैसेंजर सफाई वाला और एमटीएस 20 पोस्ट, टोटल 107 पोस्ट रहने वाली है। एज रिलेक्शन 18, जर्नल ईडब्ल्यूएस को 18 से 25 ईयर, एससी एसटी को 18 से 30 साल और ओबीसी को 18 से 28 साल। एज रिलेक्शन एससी एसटी ओबीसी को एज में छूट मिलने वाली है। एलडीसी के लिए लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी, 12th पास और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग का ज्ञान। उसके बाद इक्विपमेंट रिपेयर, कुक, कारपेंटर, बारबर, वॉशरमैन, 12th, 10th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। एमटीएस कई पदों पर वैकेंसी निकली गई है, जिसमें 10th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल यदि है तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फायरमैन की है, फायरमैन के लिए लेवल 2 की सैलरी है, 10th पास प्लस फायर फाइटिंग डिप्लोमा डिजायरेबल में यदि ये डिप्लोमा मेंटेनेंस का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फायरमैन के लिए फिजिकल होने वाला है। उसके बाद आवेदन को इस पते पर भेजना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, एलडीसी का जीके इंग्लिश, मैथ और आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस पर। उसके बाद आपका अदर पोस्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, जीके और रीजनिंग, जीके और मैथ 25-25 क्वेश्चन 25 नंबर के और इंग्लिश और जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के दोनों सेक्शन में रहने वाले हैं। उसके बाद ये आपका आवेदन पत्र, इसमें आपको इस पते पर इस आवेदन को भेजना है। आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका कर उसको सेल्फ अच्छेक करके आपको दिए गए पते पर कैटेगरी लिख के भेज देना है। एडवर्टाइज नंबर, डेट, ये आपकी साधारण डिटेल। उसके बाद एक्सपीरियंस यदि है डिजायरेबल तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डेट प्लेस लिख के सिग्नेचर करके आपको दिए गए पते पर भेज देना है।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का टाइम टू टाइम पता लग सके। दोस्तों कमेंट चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाली इसके आवेदन फॉर्म वाली वीडियो जरूर से ज़रूर लेकर आएँ।